स्टूडेंट वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में। तो आज हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रिफ्रैक्शन एक नॉर्मल ग्लास स्लैब से पढ़ते थे, तो आज हम लोग प्रिज्म से पढ़ने वाले। दोनों ही हमारे ग्लास के बने हुए, लेकिन फिर भी इनका जो रिफ्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। अब डिफरेंट होता है तो कैसे डिफरेंट होता है, आपको याद होगा जब हम नॉर्मल ग्लास स्लैब लेते थे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, तो हमारा क्या होता था, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती थी, इमर्जेंट होती थी, और जो इंसिडेंट रे होती थी, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होती थी, पैरेलल होती थी। पैरेलल होती थी क्यों भाई, क्योंकि जो हमारा ग्लास स्लैब है उसके दोनों जो अपोजिट फेस होते थे वो क्या होते थे, पैरेलल। लेकिन हमारा जो प्रिज्म है वो बिल्कुल अलग है स्ट्रक्चर में। ये आपको पी क्यू आर एक ग्लास प्रिज्म का जो हमने एक फेस ले लिया है। अब ये फेस हमें कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर। यहाँ पे आपकी जो सरफेस है पी क्यू और पी आर, ये दोनों क्या है, पैरेलल तो नहीं है, इसलिए जो हमारी रे है इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होगी वो भी हमारी पैरेलल नहीं होगी। तो अब ये होता कैसे है, तो इसको हम लोग डायग्राम समझते हैं। ये मान लिया ये आपकी आई ए बी, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन टू टाइम्स होगा क्योंकि हमारा मीडियम दो बार चेंज हो रहा है, पहले एयर से ग्लास में जा रही है और फिर ग्लास से एयर में। लाइट रे है वो कहाँ से जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो जो ये नॉर्मल होगा आपका एन एन डैश, तो जब हमारी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, ये नॉर्मल की तरह बैंड हो जाती है। तो ये आपकी जो बी एन नॉर्मल है इसकी तरफ क्या हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी। अब ये हमारी बी सी, ये लाइट रे स्ट्रेट चली आएगी क्योंकि यहाँ पे हमारा मीडियम सेम है। अब जब हमारी लाइट रे ग्लास से एयर में जाएगी पर क्या हो रहा है, फिर से मीडियम चेंज हो रहा है, तो जो हमारा नॉर्मल होगा ये एम एम डैश। अब हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इसलिए जो ये आपका नॉर्मल है एम सी, इससे क्या होगी, हमारी लाइट रे थोड़ा सा दूर हो जाएगी क्योंकि हमारी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये हो गई आपकी सी डी। अब जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो आपकी इमर्जेंट रे है, तो ये दोनों ही क्या है, बैंडिंग शो दिखा रही है, आपकी बैंडिंग दिखा रही है किसकी तरफ, जो हमारा प्रिज्म का थिकर पार्ट है यानी कि क्यू आर की तरफ। अब जो हमारी इंसिडेंट रे है अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं ये ई पॉइंट तक, ठीक, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो आपकी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और इमेजेंट रे की डायरेक्शन है ये कहीं से भी पैरेलल हमारी नहीं है। अब हम सीडी जो आपकी इमेजेंट रे है इसको हम बैक डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, तो ये यहाँ पर इसको ओ पॉइंट पे कट करती है। तो ये जो आपका ओ पॉइंट हुआ और ये जो आपकी एंगल बना जो आपका ई ओ डी, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। आपके जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये रहा आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो प्रिज्म, जहां पर हमारे इमर्जेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल नहीं होते। तो आई थिंक आपको ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रो प्रिज्म बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।